हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, 36 हम वर्कशीट कर रहे हैं, जिसमें आपका अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 3 चल रहा है, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, और इसमें हम अपना तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, तीसरा एपिसोड पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती का थर्ड पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए सरकार दो प्रकार के उपाय के जो है वो कार्यक्रम चला रही है। पहला तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, यानी कि भारत के अंदर आर्थिक विकास जो है वो करना, और दूसरा लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी कि अलग अलग सुविधाओं से लोगों को जो है वो गरीबी को जो दूर कर सकते हैं। तो 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है, क्योंकि आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है गहरा संबंध रखती है। आर्थिक समृद्धि क्या करती है, जो भी अवसर होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको व्यापक बना देती है। व्यापक का मतलब हर एक को वो मिलती हैं, सर्वव्यापक हो जाती हैं वो। ठीक है, और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती हैं, या शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग क्या करेंगे, अभी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छी जॉब लग सके और अच्छा पैसा कमा सके, मतलब अपनी आर्थिक उन्नति के लिए वो अपने लोगों बच्चों को स्कूल भेजना भी शुरू करेंगे। उसके बाद में है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, तो सबसे पहला चलाया गया था मनरेगा 2005 में, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य क्या था, मनरेगा के अंदर क्या होता है कि लोगों को 100 दिन का रोजगार जो है कम से कम आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए दूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराती है सरकार। इसका उद्देश्य जो है विकास में मदद करने के साथ साथ सूखा, वन कटाई व मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचाने के लिए उपाय आदि हैं। मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं उनसे अलग अलग तरह के जो काम करवाए जाते हैं, जैसे पेड़ लगा दिया जाते हैं, ठीक है, और जो सूखा के क्षेत्र होता है उसके अंदर उनसे काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे उनको क्या है कि उनका वेतन भी दिया जाता है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तय कर दी गई, यानी कितना जो है उनको वेतन जो है वो दिया जाता है एक दिन काम करने के लिए मनरेगा में। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। और अगर इस मनरेगा के अंदर सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, यानी कि जो आरक्षित जातियों के अंदर आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या जो बैकवर्ड कास्ट के अंदर आते हैं, उन लोगों को अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकते तो उनको फिर बेरोजगार भत्ता जो है वो देगी। ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए हैं जिन्होंने मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, यानी कि काम करने के बदले में उनको अनाज मिलेगा, यानी कि अगर आप ये काम कर दोगे तो 10 किलो मिलेगा, ये कर दोगे तो 20 किलो मिलेगा। तो ऐसी भी एक जो है वो योजना शुरू की गई। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योगों को स्थापित करने में सहायता दी जाती थी। उसके बाद में 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 के अंदर किया गया। अब ये स्वरोजगार यानी कि इसके अंदर कोई भी जो युवा है वो अपना रोजगार जो है वो चला सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करना, यानी कि जिनको सहायता मिल रही है उनको खुद की अपनी सहायता करने वाले समूहों में उनको लेके जाना और उनको बैंक से ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन से, यानी कि जो सब्सिडी वगैरह होती है सरकारी सहायकी जिसको बोलते हैं, निर्धनता रेखा से ऊपर लाते हैं, इन दोनों को मिला के एक बार जो बैंक है उससे ऋण दिया जाता है और एक सब्सिडी दी जाती है, दोनों का जो अमाउंट है वो मिला के उनको निर्धनता रेखा से ऊपर लेके जाने का सोचा जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्र से सहायता जो है वो दी गई, यानी कि लोगों का सबसे पहले जो स्वास्थ्य देखा गया, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी गई, ग्रामीण आश्रय जैसे कि आवास योजना आई थी उसमें लोगों को घर दिया जाता था, पेयजल के लिए और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बिजली वगैरह की जो सुविधा है वो गाँव के अंदर लेके आए गए, और जिसके लिए केंद्र सरकार जो है उसने राज्य सरकारों को और भी जो सहायता है वो
प्रदान की। अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा निर्धन जिनको खाना भी नहीं मिलता है उनके अंदर लोगों को जो है वो अन्न दिया जाता था, यानी कि अनाज दिया जाता था। तो ये तो थे कुछ सरकार के द्वारा चलाए गए काम, पर इसके अलावा कुछ और चुनौतियां भी हमारे सामने अभी तक हैं। तो वो क्या हैं? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता, देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य, उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा संभव हो सकेगा। ये चीज़ें अगर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो ये चीज़ जो है वो सही हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखो कि निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो, यानी कि अब जो निर्धनता देखी जाती है ना वो कम से कम देखी जाती है, ठीक है। तो उस निर्धनता को उठा के उसको बीच में लाया जाना चाहिए कि इतना होना चाहिए, कम से कम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन अब क्या है कि एक भोजन जुटाना और एक आवास लेना, कहीं पर रहने के लिए जगह लेना, यही जो है वो बुनियादी जरूरतें नहीं है किसी इंसान को समाज में रहने के लिए। उसको कुछ चीज़ें और भी चाहिए, वो है कि उसको शिक्षा चाहिए, उसको अपना घर चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, रोज़गार की सुरक्षा भी चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसको सम्मान भी जो है वो समाज के अंदर किया जाना चाहिए, और जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे भी वो मुक्त होना चाहिए। तभी जाके जो निर्धनता है, ठीक है, वो कम होगी। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को समान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। यानी कि जब तक ये चुनौतियां हैं तब तक निर्धनता नहीं जा सकती, तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन दो प्रकारों के उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जिसके अंदर लोगों को रोजगार जो है वो दिया जाता है, या उनके छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जो छोटे काम धंधे होते हैं, उनको कुछ तरह के लोन वगैरह दे के उनको प्रोत्साहित किया जाता है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम और लक्षित जो निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को आवास दिया जाता है, जिसके अंदर स्वरोजगार योजना चलाई जाती है कि लोग अपने आप जो है अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। उसके बाद में है आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास के में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर जो हैं वो सामने आते हैं, ठीक है। जितना आर्थिक विकास होगा उतने ही लोग क्या है समृद्ध होंगे, उतनी ही निर्धनता जो है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद में मनरेगा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। तो मनरेगा के अंदर है, इसका उद्देश्य है अकुशल श्रमिकों को एक वर्ष के में निर्दिष्ट पारिश्रमिक प्रदान करना है। अकुशल मतलब जो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, उनको लगभग 100 दिन का जो रोज़गार है साल के अंदर सरकार के द्वारा दिया जाता है और उसके थ्रू उनको वेतन भी दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें आय के कुछ स्रोत प्रदान किए जाते हैं ताकि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो सरकार क्या करती है, जैसे आरक्षित समूह के लोग होते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं, उनको मनरेगा की लिस्ट के अंदर लेके आती है और उनको 100 दिनों का जो रोज़गार है वो दिया जाता है सरकार की तरफ से, और उसमें उनको वेतन भी दिया जाता है ताकि जो लोग अपनी आवश्यकताओं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते वो उनको पूरा कर सके, ठीक है। उसके बाद में है युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था सहायता प्राप्त जो गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है और उन्हें बैंक से और ऋण जो मिलता है वो देना और सरकारी अनुदान के संयोजन से गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यानी कि वो ऋण और सरकारी अनुदान जो सब्सिडी वगैरह मिलती है उनसे क्या करना, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना, उस लोन का यूज़ वो अपने कोई आर्थिक धंधे खोल के या कोई शिक्षा के अंदर लगा के अपने उत्थान के लिए कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, आपके विचार में निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 3 जो है वो लिखा है, 4 आप कोई भी 2 या 3 लिख सकते हो। निर्धनों के लिए आवास का प्रबंध किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्हें मकान हेतु जमीन, वस्तुएं और तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि, भिन्न और लघु उद्योगों
उद्योग धंधों का विकास किया जाए जिसका पूर्ण व आंशिक बेरोजगार को रोजगार मिलेगा व उसकी निर्धनता दूर होगी। वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि जो हो रही है उसको रोकना चाहिए, इससे निर्धन लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तथा वह निर्धनता की रेखा से ऊपर निकलेंगे। निर्धन वर्ग के लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है और परिवार का भार अधिक होता है, अंत इनकी निर्धनता को तभी दूर किया जा सकता है जब इनके परिवार छोटे परिवार को महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है, इसके लिए देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर जोर देने की आवश्यकता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भोजन के साथ आवास जुटाने, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे? तो उसके अंदर है शिक्षा, घर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं, आत्मविश्वास, सम्मान, लिंग लिंग व जाति के आधार पर जो उनका भेदभाव है उससे मुक्ति। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भोजन और आवास के अलावा भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 5, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 3 और ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।